अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा सिग्मा 110 सीआर पे एक्सरे करने का तरीका। ये हमारे पास सिग्मा 110 लगा हुआ है और इसका सॉफ्टवेयर है जो जब हम ऑन करते हैं ना तो खुद ब खुद रेडी हो जाता है। अगर खुद ब खुद रेडी ना हो तो ये इमेज पायलट पे हम क्लिक कर लें तो ये देखिए ये रेडी हो गया, खुल गया ना। इमेज पायलट पे जाना है और उसके बाद ये सीआर हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे हम जाते हैं न्यू एग्जाम, ग्रीन पट्टी पे लिखा हुआ है न्यू एग्जाम। कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, आईडी पेशेंट आईडी दे सकते हैं। हम फर्ज करें हम देते हैं 142 और नीचे यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद नेम लिखना होता है, पेशेंट नेम, जैसे मेरा नाम रिजवान है, मैं लिखता हूँ RIZ रिजवान। मेल है तो मेल कर सकते हैं, फीमेल है तो कुछ भी, यानी कि जो आपने करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाना है आपने, ये मेल और रिजवान और आईडी दे दी तीनों चीज़ें। उसके बाद आ जाना है परफॉर्म एग्जाम पे, ये परफॉर्म एग्जाम पे आ गए हम। उसके बाद ये याद रखना है कि ये CR लिखा हुआ है एक कोने पे, CR पे क्लिक करना है ज़रूरी। जब तक आप CR पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद CR पे क्लिक करके तो हम देते हैं इसको केसेट, CR को। ये हमारे पास केसेट है, ये इसका बारकोड लगा हुआ है। बारकोड CR को देना होता है, किस तरह देना है कि ये इसका सेंसर भी लगा हुआ है, सेंसर को बारकोड देना है। ये सेंसर के सामने बारकोड चला गया और केसेट अंदर ले गया, ये खुद ब खुद इसको रीड करेगा और रीड करके हम देखते हैं तब तक स्क्रीन पे क्या आता है। जब तक वो केसेट रीड कर रहा है हम जाएंगे पी पे, ये पी पे क्लिक कर दे, पी फॉर प्रिंट। प्रिंट पे दबा के यहाँ पे हमारे पास एक्सरे आ जाएगा जो वो रीड करेगा ना जी। ये देखे ये उन्होंने कंप्लीट कर लिया, प्लीज हम यस करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास आ गया एक्सरे जो हमने दिया था उसको। इसको क्लियर करने के लिए हम करते हैं एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहां पे कर सकते हैं, ओके कर लो। ये देखिए एडजस्टमेंट अगर तो आपको क्लियर आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज इसको और क्लियर करना है तो ये विंडो लेवल पे जा सकते हैं। विंडो लेवल पे जाके इसको यहाँ आपको अच्छा लगे रिजल्ट वहाँ पे आप इसको छोड़ दें। अगर इसको जूम करना है तो ये जूम लिखा हुआ है, इसको जूम भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इसको। और उसके बाद हमने अगर इस पे कुछ टाइप करना है तो ये राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट क्लिक करके तो जो भी लिखना है वो, फर्ज करें राइट हैंड है हमारे पास, AP लिखना है या लेटर लिखना है, कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं, लिख के इसको छोड़ दें। अगर हमारे पास लगा हुआ है कोई भी प्रिंटर, एक्वा का लगा हुआ है या QG का लगा हुआ है, वो प्रिंटर लगा हुआ तो फिर हम फिल्म पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद प्रिंट दे देगा। अगर हमारे पास इंक जेट प्रिंटर लगा हुआ तो ये प्रिंट लिखा हुआ है, फिर वो प्रिंट पे करेंगे। ये याद रखिए जब तक ये आपने पी पे क्लिक नहीं किया होगा तब तक प्रिंट पे कर भी देंगे तो आपका प्रिंट नहीं आएगा। ये प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट आ गया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रिंट जो है ना वो आउट हो जाएगा। उस पर क्लिक करना है या कैंसिल करना है, जो भी करना है आपने प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर देना है। उसके बाद हमने कैसे फिल्म इसमें कैसे लगानी है, ये याद रखना है कि फिल्म का ये कट लगा हुआ है, कट जो है ना ऊपर वाली साइड पे राइट साइड पे रखना है या ऐसे रखना है, इससे ऐसे रखेंगे तो वो प्रिंट खुद ब खुद उसको ले लेगा और रिजल्ट आपका निकलेगा अच्छा। तो मजीद आने वाली वीडियो हमारी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।